मेरे पास जो यहाँ पर लेंस है वो है केटी है, यानी कि बाईफोकल लेंस है। और ये ग्लास में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फाइबर की हम यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करें। ग्लास बनाने की बात करें, ग्लास में पावर लेंसेज बनाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेरे पास जो ग्लास है गाइज, वो सॉरी मेरे पास जो ब्लैंक है वो है ग्लास की एक ब्लैंक है, जो कि केपेटी की ब्लैंक है, यानी कि बाईफोकल लेंस की भी एक ब्लैंक है। तो हम इस ब्लैंक को रेडी करेंगे हमारे चश्मे का लेंस बनाने के लिए। मतलब कि इस ब्लैंक से हम हमारे चश्मे का लेंस बनाएंगे, जिसमें हमारा डिस्टेंस का नंबर भी होगा, साथ ही साथ नियर का नंबर भी होगा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो फाइनली गाइज, आज हम बात करेंगे ग्लास को बनाने को लेकर के। मतलब कि जो आपके नंबर के चश्मा में आप ग्लास यूज़ करते हो, ग्लास वाला लेंस यूज़ करते हो, उसको किस तरीके से बनाया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर उसके पूरे प्रोसेस पे बात करेंगे, किस तरीके से उस पर पॉलिश की जाती है, किस तरीके से उस पर नंबर यानी कि पावर चढ़ाया जाता है, सारी चीज़ें यहाँ पर हम उस वीडियो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो गाइज़ शुरू करें, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर आपके नंबर के चश्मा, कॉन्टैक्ट लेंसेज, सनग्लासेस से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन। तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बात करें गाइज, सबसे पहले होता है हमारे पास एक ब्लैंक लेंस। ब्लैंक लेंस से मैं बता दूं, उस पर किसी तरह का कोई पावर नहीं होता। साथ ही साथ आप उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पर आपको लेंस कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, जो कि पूरे तरीके से ब्लर होगा। इसीलिए उसको ब्लैंक बोला जाता है, क्योंकि उसमें कुछ दिखाई भी नहीं देगा आपको। वो पूरी तरीके से ब्लर सा होगा और कोई पॉलिश वगैरह उस पर नहीं होगी, कोई पावर वगैरह उसमें नहीं होगा। मेरे पास जो यहाँ पर लेंस है वो है केटी है, यानी कि बाईफोकल लेंस है। और ये ग्लास में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फाइबर की हम यहाँ पे बिल्कुल बात नहीं करें। ग्लास बनाने की बात करें, ग्लास में पावर लेंसेज बनाने की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो मेरे पास जो ग्लास है गाइज, वो सॉरी मेरे पास जो ब्लैंक है वो है ग्लास की एक ब्लैंक है, जो कि केपेटी की ब्लैंक है, यानी कि बाईफोकल लेंस की एक ब्लैंक है। तो हम इस ब्लैंक को रेडी करेंगे हमारे चश्मे का लेंस बनाने के लिए। मतलब कि इस ब्लैंक से हम हमारे चश्मे का लेंस बनाएंगे, जिसमें हमारा डिस्टेंस का नंबर भी होगा, साथ ही साथ नियर का नंबर भी होगा, नियर का पावर भी होगा, और हम उसे हमारे चश्मे में लगा भी सके। तो यहाँ पर इसका पूरा प्रोसेस किस तरीके से होता है, सबसे पहले गाइज इस ब्लैंक जो है हमारे पास जो ब्लैंक है, इसको चिपकाया जाएगा इस टूल पे, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस तरीके का कुछ ये टूल होता है। इस टूल पर इसको चिपकाया जाएगा। चिपकाने के लिए गाइज यहाँ पर एक ख़ास मटेरियल यूज़ किया जाता है। अब आप बोलोगे कि इसको तो किसी गम वगैरह से भी चिपकाया जा सकता है। गम वगैरह से चिपकाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर गम वगैरह का काम नहीं है, क्योंकि इसको वापस निकालना भी होता है और सही सलामत निकालना होता है। गम वगैरह इतना ज़्यादा वर्क नहीं करते हैं, इसलिए हम इस यहाँ पर इस खास मटेरियल का यूज़ करते हैं। लेंस को चिपकाने के लिए हम इस टूल को हीटर पर रखते हैं, और जब ये पूरी तरीके से गर्म हो जाता है, हीट होता है, उसके बाद इसमें ये मटेरियल डाला जाता है, जिससे कि लेंस को चिपकाया जा सके। और ये मटेरियल ऐसा है कि जब ये गर्म हो जाएगा तो वहाँ पर ये पिघल जाएगा, पूरा पिघल के एकदम पूरा रबड़ की तरह, प्लास्टिक की तरह हो जाता है। मतलब पानी की तरह एकदम पिघल के, पानी नहीं बोल सकते, पानी से थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वैसा हो जाता है। उसके बाद हम इस पे लेंस को रखते हैं और इसको हीटर से उतार करके साइड में रख देते हैं, ताकि ये ठंडा हो, क्योंकि जब वो ठंडा होता है तो वहाँ पर वो पूरी तरीके से फिर से जो है टाइट हो जाता है मटेरियल जो होता है, और लेंस उस पर पूरी तरीके से चिपक जाता है। ये मटेरियल इसलिए भी यूज़ किया जाता है ताकि लेंस जब हम लेंस बना रहे हैं, काम उस पर कर रहे हैं, तो उस टाइम पर लेंस निकले ना बीच में। अगर बीच में लेंस निकल गया तो वहाँ पे सारी गड़बड़ हो जाएगी। लेंस बनाने के लिए गाइस ब्लैंक पर पहले से ही नंबर जो है, नंबर और एक्सिस वगैरह जो है पहले से लगा दी जाती है, कि इस एंगल पे इतना नंबर जो है इस पे चढ़ाना है। उस हिसाब से फिर उस पे जो है पावर लगाई जाती है, उस हिसाब से उसका बेस कट किया जाता है। बेस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है एक अच्छा लेंस बनाने के लिए। उसके बाद गाइज आता है हमारा सिलेंडर। हम इसमें सिलेंडर बना रहे हैं, सिलेंड्रिकल नंबर बना रहे हैं, केटी बना रहे हैं, तो सिलेंड्रिकल बाईफोकल लेंसेज बना रहे हैं। तो नेक्स्ट चीज़ जो आप ये मशीन देख रहे हो यहाँ पर, ये होती है सिलेंडर मशीन, जिस पर कि इस लेंस को पावर दिया जाएगा, इसको सिलेंडर पावर में बदला जाएगा। तो यहाँ पर इस पर इस तरीके से इस पर प्रोसेस चलता है, और यहाँ पर इस पर पूरा जो है सिलेंड्रिकल पावर चढ़ाया जाता है, पावर मतलब कि पावर चढ़ाया जाता है इस मशीन पर। इसके बाद जो प्रोसेस आता है वो होता है हमारा पॉलिश का।
मतलब अगर लेंस पर अगर आप पॉलिश नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। पॉलिश बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिश के बाद ही आपको जो है लेंस पर दिखाई देगा, पॉलिश के बाद ही लेंस पर शाइनिंग आएगी। तो कांच में, स्पेशली कांच में किस तरीके से पॉलिश की जाती है ये आप देख लें। यहाँ पर ये हमारा जो अभी प्रोसेस चल रहा है ये पॉलिश का चल रहा है, इस पर पॉलिश होगी, बाद में इस लेंस को या इस टूल से अलग किया जाएगा और फिर यह लेंस रेडी हो जाएगा आपको चश्मा में लगाने के लिए और आपके यूज़ करने के लिए। तो इसको गाइज अब भी यहाँ से पॉलिश हो जाए एक बार, फिर हम इसको निकाल करके और आपको दिखाएंगे किस तरीके से काम करता है। तो वहाँ पर ये लगभग अब पॉलिश हो चुका है। तो अब पॉलिश होने के बाद गाइज अब इसको निकालना है, मतलब कि इस टूल से अलग करना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस टूल से लेंस को अलग करेंगे ताकि लेंस टूटे ना, क्योंकि ये ग्लास है। तो यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखने वाली चीज़ है, इसको आराम से निकाला जाए। अगर इसमें थोड़ी सी भी जल्दीबाजी हुई तो यहाँ पर लेंस टूट सकता है। और जो इतनी मेहनत हुई है सिलेंडर से लेकर के, सिलेंडर वाली मशीन से लेकर के पॉलिश और उसके बाद सारा जो जितनी भी मेहनत हुई है वो सब बेकार हो जाएगी। तो इसको आराम से निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसको निकालने के बाद गाइस ये लेंस देखिए आप कुछ इस तरीके से पूरा की पूरा शाइनिंग, और ये देखिए आप बाईफोकल है, पूरा की पूरा लेंस यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये हमने अलग कर लिया और पॉलिश के बाद जो इस पर शाइनिंग आई है वो अगर हम इस पर पॉलिश नहीं करते तो वे वैसा कि वैसा लेंस होता, जैसा कि पहले हमने ब्लैंक दिखाई थी आपको उस तरीके का एक लेंस होने वाला था। बस इतना सा फ़र्क होता है कि इस पर पावर होती है, ब्लैंक में पावर नहीं होती है। तो ये अब लेंस जो है ये रेडी हो गया है, पूरा की पूरा आपके चश्मे में पहनने के लायक हो गया है। आप इसे अपने चश्मे में यूज़ कर सकते हैं। आपका जो जो भी कस्टमर का, आज जिस कस्टमर के लिए हमने ये बनाया उस कस्टमर का पावर इसमें मौजूद है, उस कस्टमर का नंबर इसमें मौजूद है, दूर का और पास का दोनों, क्योंकि हमने बाईफोकल लेंस बनाया है। तो इस तरीके से गाइज आप पूरा प्रोसेस होता है और इस तरीके से आपका लेंस जो है रेडी होता है। मतलब देख लो एक कांच को बनाने में इतनी मेहनत लगती है। और वैसे तो गाइज सारे लेंसेज हमारे रेडीमेड, मतलब कि हम रेडी मंगवा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पावर्स आ जाते हैं बीच में, कुछ ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जो रेडी स्टॉक में नहीं होते हैं ग्लास में। अगर फाइबर की बात करें तो फाइबर में तो गाइज अगर रेडी नहीं है तो हम लोग RX में बनवा करके मंगवा लेंगे, ऑर्डर दे देंगे, लेकिन ग्लास में ऐसा नहीं होता क्योंकि ग्लास की डिमांड आज के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। ग्लासेस यूज़ करने वाले यूज़र्स काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं, तो वहाँ पर ऐसी कंडीशन में ग्लासेस का जो स्पेशल नंबर होता है अलग से, जो रेडी स्टॉक में नहीं मिल पाता, उसके लिए हमें हमारे ही शॉप पे, हमने एक कारखाना बना रखा है, वहाँ पर हम लोग ग्लासेस रेडी करते हैं। तो जो लोग ग्लासेस यूज़ करते हैं उन लोगों के लिए, अगर वो फाइबर यूज़ नहीं करना चाहते, तो अगर उनको ग्लासेस ही अच्छा लगता है, फाइबर यूज़ नहीं करना उनको, तो उन लोगों के लिए स्पेशली हमने ये चीज़ यहाँ पर चालू की हुई है। और यहाँ पर हम उनका पूरा की पूरा जो है, जो भी नंबर हो चाहे एग्जैक्ट नंबर, पूरा की पूरा रेडी करके देते हैं। और ये हमारा प्रोसेस होता है। तो आप सब भी को मतलब समझ में तो आ ही गया होगा पूरा कि किस तरीके से आपका ग्लास रेडी किया जाता है। और पूरा की पूरा काम हम यहीं पर कर लेते हैं ग्लास का, तो स्पेशली क्योंकि ग्लास में हमको कहीं जाना नहीं पड़ता, किसी रिटेलर या फिर किसी भी एजेंट से बात नहीं करनी पड़ती। ग्लास अगर हमको रेडी करना है तो हमारे पास ब्लैंक होनी चाहिए, हम खुद यहाँ पर रेडी कर लेते हैं कस्टमर की डिमांड पे। तो उसके लिए थोड़ा सा कस्टमर को टाइम देना पड़ता है, एक दिन का तो कम से कम देना ही पड़ता है। तो वहाँ पर एक दिन का टाइम देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन उसको लेंस भी मिल जाता है रेडी। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप अपने शॉप पे ये चीज़, ये सारी मशीनें लगा लेते हैं, तो कोई भी छोटा शॉप वाला ये चीज़ें नहीं लगा पाएगा। तो उसके लिए भी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है इन मशीनों के लिए भी, तो ये चीज़ें भी नहीं लगा पाएगा कोई भी छोटा शॉप वाला। तो उसको तो या तो किसी, अगर कोई ऐसा नंबर आ गया उसके पास जो उसके पास रेडी स्टॉक में नहीं है, तो फिर या तो किसी एजेंट से बात करनी पड़ेगी लेंस के लिए, या फिर किसी बड़ी शॉप से बात करनी पड़ती है। तो हमारी शॉप पे ये सारी सर्विस आपको हमेशा मिलेगी, आप कभी भी आओ। नाम मैंने बता ही रखा है, फिर से नाम नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि हमारे भैया ने मना किया हुआ है कि यार तू फोकट में क्यों शॉप का प्रमोशन करता है। तो उन्होंने मना किया हुआ, इसलिए मैं यहाँ पर शॉप का नाम नहीं बताता हूँ। बाकी जिन लोगों को पता है मेरी शॉप, जो लोग आ भी चुके हैं उन लोगों को तो पता ही होगा कि कहाँ पर शॉप है, कहाँ पर आना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर।